नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम जनादेश 2023 में आपका स्वागत है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव का शंखनाद राजस्थान में हो चुका है। राजस्थान में 16वीं विधानसभा की गठन को लेकर प्रदेशवासी 25 नवंबर को मतदान करेंगे, जिसका परिणाम 3 दिसंबर को आएगा। जनादेश जिसके साथ होगा उसी राजनीतिक दल की सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता अपनी समस्याओं और मुद्दों को लेकर 25 नवंबर को अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी। जनादेश 2023 के आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे शेखावटी क्षेत्र के चूरू और झुंझुनू के विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों की। विधानसभा क्षेत्रों में आज चूरू, रतनगढ़, सुजानगढ़, तारानगर, सरदारशहर, सादुलपुर, झुंझुनू, पीलानी, खेतड़ी, सूरजगढ़, नवलगढ़, उदयपुरवाटी और मंडावा शामिल है। इन क्षेत्रों के मुद्दों और राजनीतिक समीकरणों पर बातचीत करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार धर्मवीर चंदेल जी। इससे पहले चर्चा को शुरू करें, आइए देखते हैं चूरू के विधानसभा क्षेत्रों की ये खास रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे चूरू जिले की। सादुलपुर में कुल मतदाता 2,48,448 हैं, जिनमें 1,28,808 पुरुष और 1,19,639 महिलाएं सहित एक ट्रांसजेंडर हैं। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस की कृष्णा पूनिया ने भाजपा के राम सिंह कसवा को हराया था। इस बार भाजपा ने सुमित्रा पूनिया और कांग्रेस ने कृष्णा पूनिया को टिकट दिया है। यहां बीएसपी से मनोज न्यांगली चुनाव लड़ रहे हैं। सरदार शहर विधानसभा सीट में कुल मतदाता 3,05,332 हैं, जिनमें 1,60,416 पुरुष, 1,44,913 महिलाओं सहित तीन ट्रांसजेंडर शामिल हैं। 2018 में कांग्रेस के भंवरलाल शर्मा ने भाजपा के अशोक पिंचा को हराया था। उसके बाद हुए उपचुनाव में कांग्रेस के अनिल शर्मा ने भाजपा के अशोक पिंचा को हराया। तारानगर में कुल मतदाताओं की संख्या 2,61,625 है, जिनमें 1,36,990 पुरुष और 1,24,633 महिलाएं शामिल हैं। इस क्षेत्र में दो ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के नरेंद्र बुड़ानिया ने भाजपा के राकेश जांगिड को हराया था। इस बार भाजपा ने राजेंद्र राठौड़ और कांग्रेस ने नरेंद्र बुड़ानिया को प्रत्याशी बनाया है। चूरू में कुल 2,55,480 मतदाता हैं, जिनमें 1,31,931 पुरुष और 1,23,548 महिला मतदाता हैं। इस क्षेत्र में एक ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के राजेंद्र राठौड़ ने कांग्रेस के रफीक मंडेलिया को हराया था। इस बार भाजपा ने हरलाल सहारण और कांग्रेस ने रफीक मंडेलिया को टिकट दिया है। रतनगढ़ में 1,44,689 पुरुष और 1,32,995 महिला मतदाता सहित कुल मतदाताओं की संख्या 2,77,685 है। यहां एक ट्रांसजेंडर मतदाता भी हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा के अभिनेश महर्षि ने कांग्रेस के पूसा राम गोदारा को हराया था। इस बार भाजपा ने अभिनेश महर्षि और कांग्रेस ने पूसा राम गोदारा को दोबारा अपना प्रत्याशी बनाया है। सुजानगढ़ में कुल 2,89,117 मतदाता हैं, जिनमें 1,51,330 पुरुष और 1,37,786 महिला मतदाता हैं। यहां एक ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। सुजानगढ़ में 2018 में कांग्रेस के भंवरलाल मेघवाल ने भाजपा के खेमाराम मेघवाल को हराया था। बाद में हुए उपचुनाव में कांग्रेस के मनोज मेघवाल ने भाजपा के खेमाराम मेघवाल को हराया। एससी आरक्षित सीट पर इस बार कांग्रेस ने मनोज मेघवाल और भाजपा ने संतोष मेघवाल को टिकट दिया है। अब बात करते हैं इन क्षेत्रों के मुद्दों की। यहां सबसे बड़ा मुद्दा पानी की निकासी यानी ड्रेनेज सिस्टम का है।
इन क्षेत्रों में बारिश के समय बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, जिसके कारण निचले क्षेत्रों से संपर्क टूट जाता है। इसके साथ ही टूटी सड़कें भी एक बड़ी समस्या है। 6 विधानसभा सीटों में मीठे पानी की कमी से आम जनता त्रस्त है। चूरू कृषि प्रधान देश है, यहाँ के अधिकतर लोग कृषि पर निर्भर हैं। तारानगर विधानसभा क्षेत्र में नहर के जरिए किसानों को पानी उपलब्ध हो जाता है, लेकिन बाकी क्षेत्रों के किसान बारिश पर ही निर्भर हैं। किसानों की मांग है कि नहरी तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जाना चाहिए। महिलाओं की कोई भी सुनवाई नहीं है, चाहे किसी भी अधिकारी के पास चले जाओ, महिलाओं की कोई सुनवाई नहीं है। हम यही चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट हो वो महिलाओं का सम्मान करे और महिलाओं की सुरक्षा करे, ताकि महिलाएं रात रात बेरात भी सुख शांति से निकल सके और उनके घर वालों को ये टेंशन ना हो कि हमारी बच्ची गई है, वो कहाँ होगी, कैसे होगी, किस तरह होगी। जो भी वैकेंसी आई है वो सारी रद्द हो चुकी है, और अगर वैकेंसी निकाल भी दी तो उसके पेपर लीक हो रहे हैं, लीक हो गए। और जैसे कि अभी जो वैकेंसी निकाली है चुनाव के चक्कर में, उनको 4-5 महीने आगे बढ़ा दिया। यहाँ एक तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि खारा पानी है, वो उसकी वजह से पीने में भी दिक्कतें आती है लोगों के घुटनों में, दिन पे दिन इसका दर्द बढ़ता जा रहा है, जो फ्लोराइड इतना बढ़ गया है। तो नहर जो अपने सिंचाई और पीने दोनों के पानी की व्यवस्था यहाँ होगी वो उसके लिए, और एक जो ड्रेनेज योजना है उसके लिए जो पानी निकासी की व्यवस्था है वो होनी चाहिए, जो अपने शहर की मुख्य समस्या है। जैसे पहले तो अगर अपन बात करें तो सबसे पहले नीड किसान की यही है कि पानी हो, तो यहाँ पानी की मात्रा पीने लायक ही नहीं है। पानी उसमें फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा है, पानी ज़्यादा ख़राब है, तो खेती तो कहाँ से होगी। जैसे अपने तारानगर तक नहर आई हुई है, अभी इतना पास होके भी हम चूरू क्षेत्र में, चूरू विधानसभा क्षेत्र में होके भी यहाँ तक अभी तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। हमारे सबसे बड़ी समस्या एक तो पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है, दूसरी जो गांव से जुड़ने वाले लिंक रोड है उनकी भी समस्याएं हैं जो अभी तक हल नहीं हो पाई है। हर बार जो भी पार्टियां आती है वो हर बार यही वादा करती है, लेकिन अभी तक आज तक किसी ने कार्य किया नहीं है। मैं मतदाताओं से अपील करता हूं कि कैंडिडेट को अब की बार उसी को मतदान करें जो जन के आम जन की समस्याओं का समाधान करे, और आम जन से आकर हमेशा रूबरू रहे, और कोई भी आम पब्लिक उनसे जाके अपना काम करवा सके। सरदार साहब तहसील की अगर हम बात करें, चाहे आप शिक्षा पे लो या चिकित्सा की बात करें, चिकित्सा केंद्र एकमात्र सरकारी हॉस्पिटल होने के बावजूद उसके अंदर स्टाफ की कमी है, और मूल रूप से जांचों का इतना अभाव है कि सोनोग्राफी तक की जांच उनमें नहीं होती है, और जांचों की वजह से उनको जिला अस्पताल आना पड़ता है, और स्टाफ की, डॉक्टरों की काफ़ी कमियां देखने को मिल रही है। और दूसरी अपन शिक्षा पे बात करें तो माध्यमिक शिक्षा की स्कूलों में अगर जाते हैं तो वहाँ भी स्टाफ की कमी नज़र आती है। 400-500 बच्चे होने के बावजूद में स्टाफ 4-5 लोगों का स्टाफ रहता है, टीचरों की कमी है, जिसके कारण से बच्चों को शिक्षा का अभाव रह रहा है। तो ये थे चूरू के विधानसभा क्षेत्रों के क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं, उनके ऊपर वहां की जनता ने हमें जो बताया वो रिपोर्ट आपके समक्ष पेश की। अब इन्हीं चूरू की जनता की मुद्दे और समस्याओं और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं, आप हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर धर्मवीर चंदील जी। सर, पहले तो आपका इस प्रोग्राम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे, चूरू राजस्थान के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण है? चूरू जी त्याग, बलिदान और शौर्य की भूमि रही है। चूरू के असंख्य सैनिक हैं जिन्होंने माँ भारती का अपने प्राणों की आहुति देकर अभिनंदन व स्वागत किया है, और राजनीतिक दृष्टि से चूरू राजस्थान का एक महत्वपूर्ण जिला है, और भौगोलिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि राजस्थान का एक ऐसा जिला है जो सर्दियों में सर्वाधिक गर्म व गर्मियों में सर्वाधिक ठंडा रहता है। जी, चूरू की जनता से जब हमने बात करी तो उन्होंने अपनी जो समस्याएं हैं वो, जो मुद्दे हैं वो हमारे सामने रखे। उनकी सबसे बड़ी समस्या है पेयजल की, पीने का जो पानी है वो मीठा पानी उनको अब तक उपलब्ध नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप विकास जी। हमें देखते हैं कि चूरू में पानी की समस्या और मीठे पानी की समस्या दोनों ही हैं, आज की नहीं बल्कि कई दशकों पुरानी समस्या है जी। इस समस्या को दूर करने के लिए
पांच राज्यों में एक समझौता हुआ जी 1994 में, लेकिन उस समझौता को ना तो हरियाणा सरकार ने माना और ना पंजाब सरकार ने जी, और समस्या जस की तस बनी रही। इसी का परिणाम है कि चूरू के लोगों को आज भी मीठा पानी पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। रही बात पानी की, वहाँ ना सफाई का अच्छा आलम है, गंदगी का वहाँ एक माहौल बना रहता है, खारे पानी की बहुत भयंकर समस्या है। तारानगर की बात करी जाए तो वहाँ पर कुछ क्षेत्रों में मीठे पानी की सप्लाई हो रही है। आप सही कह रहे हैं कि कुछ जगह मीठे पानी की सप्लाई हुई है, नहर वहाँ तक पहुँची है, वो भी कुछ क्षेत्रों तक ही सीमित होकर, लेकिन पूरा चूरू अभी उससे अछूता है जी। लेकिन यदि राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो चूरू का प्रतिनिधित्व राजस्थान में विपक्ष के नेता रहे राजेंद्र राठौड़ ने किया है जी, जो राजस्थान की राजनीति में एक मजबूत स्तंभ है जी। लेकिन चूरू की जो समस्या है जी, वो अभी तक हल नहीं हो पाई। और मैं देखता हूँ पिछले करीब दो ढाई दशक से जी, वहाँ पर कानून व्यवस्था की स्थिति भी खासी कमजोर है। राजनीति के इतने बड़े नाम चूरू से संबंधित है, उसके बावजूद भी ये काम नहीं हो रहा है, लोगों की अपेक्षाएं बढ़ जाती हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, लेकिन अपराध की दृष्टि से भी चूरू की स्थिति बड़ी दर्दनाक है जी। साथ ही वहाँ पर चिकित्सा का अच्छा काम हुआ है, क्योंकि राजेंद्र राठौड़ साहब चिकित्सा मंत्री रहे जी, तो चिकित्सा की वहाँ माकूल व्यवस्था है जी। लेकिन सड़क की व्यवस्था भी हमें अव्यवस्था के रूप में नज़र आती है। आप चूरू जाएंगे तो वहाँ की उड़ती हुई धूल आपके चेहरे को जी, गंदगी से सरोबार कर देगी। हालांकि इस दिशा में थोड़ा कार्य हुआ है, लेकिन वहाँ आज भी ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं। लोग ड्रेनेज सिस्टम को लेकर स्थानीय निकाय को वोट देते हैं, लेकिन अभी तक चूरू हेडक्वार्टर पर ड्रेनेज सिस्टम की बड़ी बदहाल व्यवस्था है जी। इन सारे मुद्दों के ऊपर चर्चा करेंगे, फिलहाल सड़कों की बात करते हैं। तो चूरू जिला मुख्यालय पर भी जो सड़कें हैं वो क्षतिग्रस्त हैं। जब जिला मुख्यालय पर ही ये हाल है तो हम कल्पना कर सकते हैं कि आसपास के जो विधानसभा क्षेत्र हैं उनका क्या हाल होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप कि सड़कों की स्थिति, जब आप चूरू में प्रवेश करेंगे, जिला हेडक्वार्टर पर जाएंगे तो वहाँ स्थिति थोड़ी ठीक मिलेगी आपको, लेकिन गाँव में हालात बहुत ख़राब हैं। जगह जगह सड़कें टूटी हुई हैं। एक कारण ये भी हो सकता है कि अभी मानसून गुजरा है और बरसात के दिनों में सड़कें टूट जाती हैं। कहा जाता है कि पानी के वह तारकोल के एक परस्पर बेर होता है, आपस में इनका ठीक कॉम्बिनेशन नहीं होता का है। काल तो निश्चित लेकिन रहता है। लेकिन यह और भी उसका विकल्प तलाशा जाना चाहिए था जी। इसकी ओर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चूरू की जनप्रतिनिधियों की कमी रही, चूरू के लोगों की कमी रही कि जो सुविधाएं, जो मूलभूत आवश्यकता है, उस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पाई जी। और साथ ही मैं ये भी देखता हूँ कि चूरू में पानी एक विकराल समस्या है जी। और इस कदर विकराल समस्या है कि गर्मियों के दिनों में मुझे नहीं लगता कि कोई घर बसता होगा जो पैसे से टैंकर नहीं लेता होगा, क्योंकि जब ड्रिंकिंग वाटर की प्रॉब्लम है तो वहाँ किस प्रकार सिंचाई होती होगी, किस प्रकार पशुओं को पानी उपलब्ध हो पाता होगा और किस प्रकार लोग उस पानी का बेहतर उपयोग कर पाते होंगे, ये हम सबके लिए एक चिंता का विषय है और सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। पानी सब सून, और रहीम दास जी ने कहा है कि बिन पानी सब सून जी। साथ ही पानी एक ऐसा पदार्थ है जो किसी प्रयोगशाला में पैदा नहीं हो सकता जी। पानी एक ऐसा तत्व है जो किसी कारखाने में बनाया नहीं जा सकता। ऐसे में सरकारों को इस पर पूरी तरह फोकस रखना चाहिए जी। साथ ही जो जनप्रतिनिधि हैं उनको भी इस पर काम करना चाहिए कि किस प्रकार जो 1994 में जो समझौता हुआ था वो समझौता आखिर आज भी कागजों से बाहर क्यों नहीं आ पा रहा है जी। एक चूरू की सबसे बड़ी समस्या है कि वहाँ पर वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है जब बारिश का वक्त होता है। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सड़कें बनती हैं, मानसून आता है, सड़कें मानसून में टूट जाती हैं, टूटने के साथ ही जो पानी का भराव है वो एकत्रित हो जाता है और बरसात के हालात बन जाते हैं। ये चूरू जिला मुख्यालय की बिल्कुल बिल्कुल चूरू जिला मुख्यालय पर पानी के तालाब भर जाते हैं और कई कई शहर की कई बस्तियां जलमग्न हो जलमग्न हो जाती हैं।
और उन पर पहुंचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे में एक ड्रेनेज सिस्टम ठीक हो तो पानी अपने गंतव्य तक पहुंचे, ठीक प्रकार वहां पहुंचकर उस पानी का सदुपयोग हो। और जैसा कि आपने बताया कि ड्रेनेज के साथ ही सीवरेज सिस्टम भी मजबूत होना चाहिए, सीवरेज के लिए मजबूत तो होना ही चाहिए, सीवरेज लाइन अभी तक बिछाई भी नहीं गई। हाँ, सीवरेज के लिए कई बार इन्होंने स्थानीय नगर परिषद ने प्रस्ताव लिए हैं, कई बार इसकी घोषणाएं की गई हैं, लेकिन जो कार्य जिला हेडक्वार्टर पर हो जाना चाहिए था, क्योंकि हम देखते हैं कि शेखावाटी के 3 जिलों में सीकर, चूरू, झुंझुनू शामिल हैं, लेकिन विकास की रफ्तार में कहीं ना कहीं सीकर चूरू से काफी आगे है और ये पिछड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, ये पिछड़ते जा रहे हैं, ये धीरे धीरे निरंतर कमतर होते जा रहे हैं। जी, चूरू में एक बेहद कारीगरी का काम होता है, चंदन की लकड़ी पर नक्काशी का कार्य होता है। जो ये कार्य करते हैं, जो ये कारीगर हैं, उनको कई बार प्रधानमंत्री जी, तत्कालीन प्रधानमंत्री जी, राष्ट्रपति जी भी सम्मानित कर चुके हैं, और अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने फ्रांस के राष्ट्रपति जी को भी इन्हीं के द्वारा बनाई गई चंदन की नक्काशी पर कुछ भेंट किया है। विकास जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये एक ऐसा कार्य है जो चूरू में कुटीर उद्योग के माध्यम से जी कई पीढ़ियां करती थी जी, लेकिन एक विरासत के देख रेख के अभाव में अब वो कलात्मक वस्तुओं का निर्माण भी कम होने लगा है। मुझे लगता है कि कुटीर उद्योग को पनपाया जाना चाहिए, स्वदेशी को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। जब तक स्वदेशी, स्वरोजगार, स्वावलंबन का भाव पैदा नहीं होगा, तब तक हमारे कुटीर उद्योग हैं वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। लेकिन मोदी जी को ने जिस प्रकार उस नक्काशी पर उन्होंने टिप्पणी की है वो काबिले तारीफ है, और मोदी जी के ध्यान में आने के बाद ही ये विषय पूरे देश में चला है कि चूरू में लकड़ी पर इस प्रकार की नक्काशी होती है, चंदन की लकड़ी पर। और वो जब नक्काशी को हम देखते हैं तो उसमें खुशबू से हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है जी। और इसके लिए निश्चित रूप से चूरू के वो कारीगर काबिले तारीफ है, और वहाँ का स्थानीय नेतृत्व काबिले तारीफ है कि उन्होंने उसे मोदी जी को दिया और मोदी जी ने उस पर टिप्पणी करके, अपना ट्वीट करके पूरे देश और दुनिया को ये बताया है कि चूरू में एक ऐसा स्थान, एक ऐसे लोग हैं जो परंपरागत रूप से चंदन पर नक्काशी करके इस कार्य को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। साथ ही एक बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि यदि उसका निर्यात पूरी दुनिया में हो, उस नक्काशी की महक, जो चंदन की महक है, वो राजस्थान में नहीं बल्कि राजस्थान की सीमाओं से बाहर जाकर देश और दुनिया में जाए, तो उसका सही रूप से उन कारीगरों का सम्मान हो पाएगा जी, और विश्व प्रसिद्ध तो खैर ही है। लेकिन उन्हीं कारीगरों की सबसे बड़ी मांग है कि जो चंदन उन्हें मिलती है उसके ऊपर सरकार उन्हें सब्सिडी दे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हालांकि इस पूरे अभियान को लेकर जी एक सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाला संगठन है, स्वदेशी जागरण मंच, उन्होंने इस मांग को उठाया है कि जब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक हमारे स्थानीय कुटीर उद्योग, हमारे स्थानीय उत्पाद, हमारे स्थानीय कारीगरों के द्वारा निर्मित किए गई वस्तुएं अपने आलोक में, अपने प्रकाश में, अपनी आभा में पूरी दुनिया में एक नए रूप को लेकर नहीं जाएगी, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। जैसा कि आपने कहा है कि सरकार को इन पर ना सिर्फ सब्सिडी देनी चाहिए बल्कि उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्यक्रम भी शुरू करने चाहिए, ताकि जो कुछ लोग जो काम कर रहे हैं वो व्यापक रूप से हो और इसके लिए लोगों को रोजगार मिल सके और एक पहचान मिले। नहीं, एक चूरू की इससे नहीं पहचान होगी, और मैं तो कहता हूं कि चूरू के जो परिवार हैं, जो लोग हैं जो उस काम को कर रहे हैं, उनको उसको ट्रेडमार्क लेना चाहिए, ताकि तभी वो आगे जाकर चूरू की महक को, चंदन की महक को आगे बढ़ा पाएंगे, रोजगार के नए अवसर भी उत्पन्न होंगे। बिल्कुल, रोजगार सबसे बड़ी समस्या वहाँ की युवाओं का कहना है कि एक तरफ प्रदेश में पेपर लीक हो रहे हैं, दूसरी तरफ रोजगार के अवसर हमें यहाँ पर नहीं मिल रहे हैं, इसलिए हमें यहाँ से पलायन करना पड़ रहा है। विकास जी, मैं आपकी बात से पूरी तरह इत्तेफाक रखता हूँ, और मैं कहना चाहता हूँ कि राजस्थान में पिछली बार जिस प्रकार पेपर लीक की एक श्रृंखला चली है और करीब 1.5 दर्जन से अधिक पेपर लीक हुए हैं, उससे राजस्थान के युवाओं में हताशा और निराशा का माहौल है, मनोबल टूट जाता है उनका, मनोबल टूट जाता है और परिवार बड़ा ही चिंताग्रस्त हो जाता है। लेकिन चूरू का जो युवा है, चूरू के युवा अपनी बलिदानी परंपरा के कारण पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। वो चाहते हैं कि हम रोजगार करें, वो चाहते हैं कि हम पढ़कर एग्जाम पास करके परिवार में रोशनी लाएं, लेकिन
राजस्थान में जिस प्रकार हमने देखा है कि पेपर लीक होने की जो श्रृंखला चली उससे ना सिर्फ चूरू के युवाओं का भविष्य अंधकार में हुआ बल्कि पूरे राजस्थान के जो युवा थे जो चाहते थे कि हम एग्जाम पास करके एक नई पारी की शुरुआत करें उन लोगों को भी धक्का लगा है। लेकिन चूरू का युवा स्वाभिमानी है, वो ये चाहता है कि कोई बात नहीं, नौकरी नहीं लगी तो क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम इसको सेना में भर्ती होकर भारत माता का गौरव पूरी दुनिया में फैलाएंगे, उस दिशा की ओर भी वो युवा आगे बढ़ रहे हैं। जी, चूरू की एक और सबसे बड़ी समस्या है कानून व्यवस्था को लेकर, अपराध बढ़ते जा रहे हैं वहां पर। बिल्कुल, ये बिल्कुल सही है कि राजस्थान में ना सिर्फ चूरू में अपराध बढ़ा है बल्कि पूरा राजस्थान ही पिछले कुछ समय से अपराधियों के शरण स्थली के रूप में विख्यात हुआ है। हम अपराध के मामले में पूरे देश में सिरमौर बने हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि सरकार का इकबाल बुलंद होना चाहिए। साथ ही जो चूरू की आपने बात कही है, चूरू में भी कानून व्यवस्था बड़ी ही बदहाल व लहूलुहान रही है। इसके लिए भी सरकारों को कठोर कदम उठाने चाहिए। साथ ही जो वहाँ का लोकल प्रशासन है उसको भी उसको गंभीरता से लेना चाहिए कि आखिर क्यों अपराध तेजी से सुरसा के मुंह की तरफ फैलता जा रहा है, इस पर क्यों नहीं अंकुश लगता है। और इसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो युवाओं का जो पेपर लीक हुआ है, जो हताशा युवाओं में आई है, उस हताशा को दूर करने के बाद ही हमारा युवा सही दिशा की ओर अग्रसर होगा। और हमें ये मानते हैं कि कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, महिला सुरक्षा की अगर बात की जाए तो महिलाएं अपने आप को ज्यादा असुरक्षित महसूस कर रही है वहां पर। बिल्कुल, ये बात सही कह रहे हैं। देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि ये देश सही मायने में तब तरक्की करेगा जब रात के 12 बजे महिला स्वतंत्र रूप से कहीं विचरण करती हुई पाई जाएगी। लेकिन गांधी की ये बात इस देश के चूरू में सटीक नहीं बैठ रही है। कानून व्यवस्था, वहां पर कानून व्यवस्था बड़ी बदहाल स्थिति में है। इसको मजबूत करने के प्रयास तत्काल प्रभावी रूप से किए जाने चाहिए। चूरू के राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा की जाए तो आपको क्या लगता है कि जो राजनीतिक दल है उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती के रूप में क्या कुछ हो सकता है? देखिए विकास जी, चूरू में 6 विधानसभा क्षेत्र हैं और 2018 के चुनाव परिणामों को हम देखते हैं तो उसमें 2 पर बीजेपी व 4 पर कांग्रेस ने फतह हासिल की थी। और राजस्थान में वरिष्ठ भाजपा नेता हैं राजेंद्र राठौड़, वो चूरू का प्रतिनिधित्व करते हैं और उन्होंने हर बार चुनाव वहाँ से जीता है। इसी प्रकार कांग्रेस के दिग्गज नेता रहे हैं भंवरलाल शर्मा, वो पिछले 2 वर्ष पूर्व दिवंगत हुए, उन्होंने भी सरदार शहर से विधानसभा का प्रतिनिधित्व किया है। लेकिन हम देखते हैं कि इस बार भी वहाँ पर सीधी टक्कर है और दोनों ही प्रमुख दल पूरी तैयारी से मुस्तैदी से एक दूसरे के सामने अड़े हुए हैं और डटे हुए हैं। साथ में ये भी कहना चाहूँगा कि वहाँ पर तीसरी शक्ति के रूप में कुछ कुछ विधानसभा क्षेत्रों में RLP भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास कर रही है कुल मिलाकर। लेकिन मोटे रूप में मैं कह सकता हूँ कि वहाँ भाजपा व कांग्रेस में सीधी फाइट है। अब ये जो परिणाम आएगा वो हम 3 दिसंबर को देखेंगे कि क्या परिणाम आता है और ऊंट किस तरफ करवट लेता है। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी कोशिश कर रहे हैं लेकिन 3 दिसंबर को तय होगा कौन किस जनता के विश्वास पर खरा उतरता है। चलिए चूरू के बाद में अब बात करते हैं झुंझुनू के विधानसभा क्षेत्रों की, क्या कुछ मुद्दे हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं। इन्हीं मुद्दों और समस्याओं पर आधारित है हमारी ये खास रिपोर्ट। जनादेश में आज बात करेंगे झुंझुनू क्षेत्र की। झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,68,913 मतदाता हैं जिनमें 1,40,142 पुरुष और महिलाएं 1,28,765 सहित 6 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के ब्रजेंद्र ओला ने भारतीय जनता पार्टी के राजेंद्र बाबू को 30,505 मतों से हराया था। इस बार भाजपा ने बबलू चौधरी और कांग्रेस ने ब्रजेंद्र ओला को टिकट दिया है। पिलानी विधानसभा सीट SC आरक्षित सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,46,713 मतदाता हैं। इनमें 1,28,503 पुरुष और 1,18,210 महिला शामिल हैं। 2018 में कांग्रेस के JP चंदेलिया ने
भारतीय जनता पार्टी के कैलाश चंद्र मेघवाल को हराकर जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा ने राजेश दहिया और कांग्रेस ने पितराम काला को टिकट दिया है। खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में 118,105 पुरुष और 104,988 महिलाओं सहित कुल मतदाताओं की संख्या 223,093 है। इस क्षेत्र से पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भाजपा के धर्मपाल को हराया था। इस बार भाजपा ने धर्मपाल गुर्जर और कांग्रेस ने मनीषा गुर्जर को अपना प्रत्याशी बनाया है। सूरजगढ़ विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 283,368 हैं, जिनमें पुरुष 147,934 और महिलाएं 135,434 हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में यहां से भाजपा के सुभाष पूनिया ने कांग्रेस के श्रवण कुमार को हराया था। इस बार श्रवण कुमार कांग्रेस से और भाजपा से संतोष अहलावत प्रत्याशी हैं। नवलगढ़ में कुल मतदाताओं की संख्या 278,117 है, जिनमें पुरुष 145,260, महिलाएं 132,854 सहित 3 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं। 2018 में कांग्रेस के डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के रवि सैनी को हराया था। इस बार भाजपा ने विक्रम सिंह जाखल और कांग्रेस ने डॉक्टर राजकुमार शर्मा को टिकट दिया है। उदयपुर वाटी विधानसभा क्षेत्र में कुल मतदाता 256,269 हैं, जिनमें पुरुष 134,699 और 121,569 महिलाओं सहित 1 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं। पिछले चुनाव में बसपा के राजेंद्र सिंह गुढ़ा ने भारतीय जनता पार्टी के शुभकरण को हराया था। कांग्रेस से भगवाना राम सैनी चुनाव लड़ रहे हैं। मंडावा विधानसभा क्षेत्र में 127,594 पुरुष, 118,037 महिलाएं और 2 ट्रांसजेंडर सहित कुल मतदाताओं की संख्या 245,633 है। मंडावा से 2018 में भाजपा के नरेंद्र कुमार ने कांग्रेस की रीटा चौधरी को हराया था। बाद में उपचुनाव में कांग्रेस की रीटा चौधरी ने भारतीय जनता पार्टी की सुशीला सिंगड़ा को हरा जीत दर्ज की। इस बार भाजपा ने नरेंद्र कुमार खीचड़ और कांग्रेस ने रीटा चौधरी को टिकट दिया है। आइए बात करते हैं झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र की मुद्दों की। यहाँ मुख्य समस्या पेयजल की है। सिंचाई के लिए यमुना नहर की मांग जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। झुंझुनू की पहचान सर्वाधिक सैनिक देने वाले जिले के रूप में है। सर्वाधिक शहीदों की संख्या भी यहीं से है, इसलिए सेना भर्ती कार्यालय बीकानेर भेजने का भी विरोध हो रहा है। झुंझुनू में पुलिस लाइन के पास ओवरब्रिज का कार्य अधूरा पड़ा है। हमारे जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसके अंदर एक ऐसी सरकार आए जो महिलाओं के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के क्षेत्र में काम करे तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी अपना योगदान दे। अतः मैं एक ऐसी सरकार की अपेक्षा करूंगी जो हमारे राजस्थान को एक विकसित राज्य का दर्जा दे। आने वाली सरकार से हम ये अपेक्षा रखते हैं कि वो मतलब जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनके उन पर हो रहे अत्याचार के लिए और कड़े से कड़े कानून बनाए, और जो राजस्थान में जो बेरोजगार है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब रोजगार के रूप में देने का प्रयास करें। ये वादे तो कर जाते हैं कि हम सरकार बनने के बाद, लेकिन ये गवर्नमेंट में जाते हैं उसके पश्चात भूल जाते हैं कि हमें क्या करना है। इसके लिए क्या करना है, पब्लिक को भी अवेयर रहना पड़ेगा और जो चुना गया है उसको भी, उसके पश्चात उसको बताएं कि आपने जो घोषणाएं की हैं वो घोषणाएं पूरी करें, अदरवाइज अपने क्षेत्र में नहीं घुसने दें। यहाँ जो मेडिकल कॉलेज है वो बराबर बनती रहे, एक ओवरब्रिज है, पॉलिटेक्निकल कॉलेज है और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो काफ़ी लंबे समय से बंद है, हम ये चाहते हैं कि वो भी चले और चालू हो, क्योंकि उसका वीसी पहले बन चुका है, वीसी बन के फिर हट चुका है, इसलिए दोबारा नई सरकार आए वो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी पे पूरा ध्यान दे। और शहीदों के लिए जो शहीद स्मारक जो बना हुआ है दोरा दास में, वो भी दोबारा चालू हो। झुंझुनू ज़िले का जैसे विकास है रुका हुआ बहुत दिन से है, जो बाकी है अधूरा उसे पूरा करें और नई योजना लेके आए, और नई योजना के साथ में पब्लिक जुड़ेगी, युवाओं को रोजगार लेके आए, गरीबों के हित की सोचे,
और गरीबों की महंगाई पर सोचे, सोचने के बाद में उसके बाद में युवा, सबसे पहला अहम काम सरकार का ये होगा गरीब के हित की सोचे। किसान आज बहुत पीड़ा के अंदर है, तो हम चाहते हैं कि जो भी सरकार आए प्रथम उसका काम ये हो कि किसानों का कर्ज माफ़ हो। इसके अलावा झुंझुनू के अंदर जो स्थानीय समस्याएं बहुत सारी है कि जैसे अभी तक खेल यूनिवर्सिटी का काम नहीं चालू हुआ है, वो हो चालू हो जल्दी से जल्दी, और अपना मेडिकल जो कॉलेज है उसका काम जल्दी से जल्दी चालू हो कि वो कंप्लीट हो। इसके अलावा शहर के अंदर अरुंधुनी इसे उसके अंदर पानी भराव की बहुत भयंकर समस्या है, तो उसके ऊपर उसके स्थानीय जो सरकार आए वो ध्यान दे। और इसके अलावा युवाओं के लिए यहाँ पे हमारा जो सेना भर्ती कार्यालय था जिसको बीकानेर शिफ्ट कर दिया गया था, हम चाहते हैं कि झुंझुनू के अंदर वापस से हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा सैनिक देने वाला ज़िला झुंझुनू है। तो ये झुंझुनू ज़िले का जो सेना भर्ती कार्यालय बीकानेर भेज के झुंझुनू की गाँव की जो उम्मीद है उनके ऊपर कुठारा गया था, हम चाहते हैं आने वाली सरकार से ये हमें उम्मीद है कि सेना भर्ती कार्यालय वो झुंझुनू के अंदर लेके आए। बहुत से कस्बे ऐसे हैं जिनमें बालिकाओं के लिए कॉलेज नहीं है, कॉलेज खोली है पिछली वर्तमान सरकार ने, लेकिन आगे और भी कॉलेज खोले ताकि बालिकाएं जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं वो पढ़ाई कर सके। इसके अलावा खेल यूनिवर्सिटी यहाँ से दूसरी जगह चली गई, खेल यूनिवर्सिटी की वापस यहाँ जरूरत है जो होना चाहिए। एक रेलवे का ब्रिज पड़ा है जो अभी तक बाकी है। ऐसे ही किसानों के लिए यदि हम बात करें तो किसानों के लिए भी MSP पे खरीद, विशेष रूप से बाजरे की हो, ये किसानों की डिमांड लंबे समय से है और वर्तमान में भी बहुत जरूरत है कि MSP पे अन्य जींस भी खरीदे जाएं, अन्य अनाज भी खरीदे जाएं, लेकिन बाजरे की खरीद MSP पे यदि होती है तो किसान के साथ इस तरह की मतलब फसलों का खरीदो आराम से हो पाएगा। इस बार आने वाली सरकार से आम जनता यह उम्मीद करती है कि जो अधूरे विकास कार्य पड़े हैं या जो नया काम होना जा रहा है वो जल्द से जल्द हो, ताकि आम जनता को उनकी सुविधा मिल सके, लाभ मिल सके। झुंझुनू से दूरदर्शन के लिए राजेंद्र कुमार। तो ये थे झुंझुनू विधानसभा क्षेत्र के मुद्दे और समस्याएं। इन्हीं मुद्दे और समस्याएं और राजनीतिक समीकरणों पर चर्चा को शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले हम ये समझना चाहेंगे झुंझुनू राजस्थान के लिहाज से कितना कुछ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। झुंझुनू राजस्थान का एक महत्वपूर्ण प्रदेश है जी। वो इस रूप में महत्वपूर्ण है कि यहाँ की तरुणाई जी, यहाँ के युवाओं ने जी इस देश का अपने रक्त से अभिनंदन किया है, त्याग शौर्य और बलिदान में, शौर्य और बलिदान के माध्यम से यहाँ के युवा पूरे हिंदुस्तान में अग्रणीय पंक्ति में रहते हैं। जिस प्रकार हर घर हर चौक चौराहे पर वहाँ पर सैनिकों की मूर्तियाँ हमें आदमकद रूप में दिखाई पड़ती हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि राजस्थान तो रणबांकुरों की धरती है ही, लेकिन इसमें चूरू का सर्वाधिक योगदान है, चूरू का सर्वाधिक इस मामले में अधिक प्रतिष्ठा है कि वहाँ की तरुणाई ने जब जब भारत पर किसी विदेशी आक्रांता ने आंखें दिखाने की कोशिश की जी, तो झुंझुनू की जनता ने जी, वहां के युवाओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है जी। साथ ही एक बात और कहूंगा कि स्वामी विवेकानंद जी जो इस भारत को, भारत किस प्रकार हो सकता है आध्यात्मिक रूप में, भारत की दुनिया में क्या महिमा हो सकती है, जो बताने का काम उन्होंने किया था भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता और संस्कृति का जो परचम उन्होंने शिकांगो विश्व धर्म सम्मेलन में फहराया था, उसमें जो पगड़ी पहनकर गए थे वो पगड़ी झुंझुनू की देन है जी। जो उनका नामकरण नरेंद्र से जो विवेकानंद हुआ जी, वो खेतड़ी की देन है जी। क्योंकि जो खेतड़ी के राजा थे जी, वो विवेकानंद जी के मित्र थे जी। और जब विवेकानंद जी अमेरिका जाने आए जी, शिकांगो के विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए जब वो खेतड़ी आए जी, तो वहाँ के राजा ने उनका नामकरण नरेंद्र से विवेकानंद किया जी। और साथ ही जो उनकी जो पगड़ी थी जी, वो पगड़ी भी एक तरीके से झुंझुनू या खेतड़ी की देन है जी। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि झुंझुनू जो जिला है उसमें खेतड़ी उपखंड है, एक तहसील मुख्यालय है जी। तो ये कहा जा सकता है कि राजस्थान में झुंझुनू का सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण योगदान है जी, आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण योगदान है जी, और राजनीतिक दृष्टि से बहुत बड़ा योगदान है।
क्योंकि झुंझुनू से चुनाव लड़ने वाले सीसराम ओला ना सिर्फ कांग्रेस की राजस्थान में बनने वाली सरकारों में मंत्री रहे जी, बल्कि केंद्र में अनेकों बार मंत्री रहे और खेती किसानी के मुद्दे को उन्होंने संसद के माध्यम से उठाकर केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट किया कि राजस्थान के किसानों में क्या तकलीफ है और उन्हें क्या दिया जाना चाहिए, क्या दिया जाना चाहिए। झुंझुनू की जनता से जब हमने बातचीत करी तो सबसे बड़ा मुद्दा वहाँ पर भी पेयजल का है। मीठे पानी की समस्या वहाँ पर लगातार बनी हुई है, खारा पानी ही उनको सप्लाई किया जा रहा है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, झुंझुनू की भी वही समस्या है पानी को लेकर जो चुरू की थी जी। जैसा मैंने पूर्व में बताया आपको कि 1994 में एक समझौता हुआ पांच राज्यों के मध्य जी, वो समझौता सिर्फ कागजों में रहा और आज भी कागजों में ही धूल चाट रहा है, धरातल पर कुछ भी नहीं। यदि उसको धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाता जी, तो दोनों जिला आज लहलाते हुए में मिलते जी। वहाँ की जो खेती किसानी है जी, अतीत में बड़ी ही शानदार रही है जी। वहाँ का किसान आर्थिक रूप से समृद्ध रहा है जी, क्योंकि हम तो ये जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है जी। लेकिन चूरू में बारिश भी औसतन अन्य जिलों की तुलना में कम होती है जी। और दूसरा जो यमुना का पानी वहाँ नहीं आ पाया जी। और तीसरा प्रमुख कारण ये रहा कि वहाँ पर जो राजनीतिक अनदेखी उस जिले की गई जी, उसी का परिणाम है कि वहाँ पर पानी आज लोग खरीद कर पीते हैं जी। पानी वहाँ खेती के लिए नहीं है जी। पानी के अभाव में नए उद्योग वहाँ नहीं लग पा रहे हैं, इस कारण बेरोजगारी भी वहाँ की एक नई व विकराल समस्या में दिखाई पड़ती है। यमुना नहर की मांग निरंतर चल रही है और इसी मुद्दे के आधार पर वहाँ पर चुनाव लड़े जाते हैं। पेयजल मुख्य मुद्दा है, पीने का पानी तो मूलभूत आवश्यकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि पानी उस जिले की एक गंभीर समस्या है और उस समस्या को दूर करने के लिए मैं कहूँगा आपके इस मंच के माध्यम से जी, कि वहाँ के जनप्रतिनिधियों को पूरी ताकत से उस समझौते को अस्तित्व में लाना चाहिए जो समझौता उस दौर में किया गया था। लेकिन अनदेखी है कि सरकारों ने इस पर फोकस नहीं किया। हालांकि पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने उस समझौते के लिए, डॉक्टर राम प्रताप उस समय जल संसाधन मंत्री थे, उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन हरियाणा सरकार से ठीक प्रकार बातचीत नहीं होने के कारण वो मामला आगे नहीं बढ़ पाया जी। लेकिन मैं सोचता हूँ कि यदि उस दिशा में हमारी सरकारें मिलकर काम करेंगी जी, तो झुंझुनू तो कुछ न कुछ समाधान निकल सकता है, आर्थिक रूप से पुनः समृद्ध होगी जी। झुंझुनू ने देश को कई सैनिक दिए हैं। झुंझुनू की जनता का कहना है कि जब सैनिक सबसे ज़्यादा यहाँ से सैनिक के रूप में यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, देश को सेवाएं दे रहे हैं, तो फिर जो सेना भर्ती कार्यालय है वो झुंझुनू में ना होकर बीकानेर को स्थानांतरित किया गया, बीकानेर को दिया गया। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं विकास जी, ये पीड़ा झुंझुनू के लोगों की है, वहाँ के युवाओं की है। यदि सेना भर्ती कार्यालय वहीं पर होता तो वहाँ के युवाओं को बीकानेर संभाग मुख्यालय तक के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। ऐसे में यदि वहाँ पर होता तो उन्हें त्वरित जानकारी मिल पाती कि क्या चल रहा है, क्या हो सकता है। साथ ही यदि सेना भर्ती मुख्यालय झुंझुनू में होता तो वहाँ का जो युवा है वो उन अधिकारियों से संपर्क में रहता कि हमें सेना में भर्ती होने के लिए और क्या क्या आवश्यकताएं हैं और क्या पूर्ति हम कर सकते हैं, अपने आप को किस प्रकार हम बिल्डअप कर सकते हैं, हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना चाहिए ताकि सेना में भर्ती होकर उस आरजू उस अरमान को पूरा कर सके जो आरजू अरमान झुंझुनू की एक परंपरा एक विरासत रही है जी। झुंझुनू में लंबे समय से मांग चल रही है ओवरब्रिज को लेकर। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लंबे समय से एक ख्वाब था कि ओवरब्रिज बने, कार्य अधूरा है। एक सपना था कि ओवरब्रिज बनेगा तो हमारी ट्रैफिक की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। ओवरब्रिज का शिलान्यास भी हुआ, ओवरब्रिज बनना भी लगा, लेकिन मुझे दुख व संताप के साथ कहना पड़ रहा है कि ओवरब्रिज कागजों से तो निकला जी और अस्तित्व में भी आने लगा, लेकिन उसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया। तो जब तक वो निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाएगा तब तक झुंझुनू की जनता को उस जाम में फंसे रहने को मजबूर होना पड़ेगा जो वहाँ की एक तत्कालिक और बहुत ही गंभीर समस्या है। मैं आपको कहना चाहूँगा विकास जी कि अनेकों बार तो ऐसी खबरें समाचार पत्रों में छपती है कि ट्रैफिक जाम होने के कारण और ब्रिज का निर्माण नहीं होने के कारण कई जो लोग जिनके हृदयाघात हो जाता है, जिन लोगों के
असाध्य बीमारियां हो जाती हैं या जिनके एक्सीडेंट हो जाते हैं, वो लोग उस जाम में फंस जाते हैं। वो जाम में फंसने के कारण समय पर हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाते, इस कारण उनकी रास्ते में दुर्घटना भी, दुर्घटना के कारण मौत भी हो जाती है। जी जी, झुंझुनू की जनता का एक और कहना है कि खेल विश्वविद्यालय तो हमें दिया, लेकिन वो अभी सिर्फ कागजों पर ही है। ये बात बिल्कुल सही है कि खेल विश्वविद्यालय वहाँ, क्योंकि खेल की प्रतिभाएं भी झुंझुनू से जो खेल की में प्रतिभाएं हैं, ये बात बिल्कुल सही है। खेल विश्वविद्यालय घोषणा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपना नाम, ये बिल्कुल सही है कि वहाँ की एक परंपरा है, वहाँ के पानी की एक विशेषता है कि वहाँ हर घर में सैनिक पैदा होता है और हर घर में विद्यार्थी शुरू से ये सपना पाल कर रहता है कि मुझे खेल के मैदान में नए कर्तव्य दिखाने हैं। इसी को ध्यान में रखकर राज्य सरकार ने घोषणा की थी कि वहाँ पर खेल विश्वविद्यालय होगा, लेकिन उस पर काम होना चाहिए था ताकि वहाँ के युवाओं को लगता कि हमें भी कुछ करने का मौका मिलेगा। लेकिन विकास जी, मैं दुख के साथ कहूँगा कि कांग्रेस सरकार ने जो घोषणा की, उस घोषणा को यदि समय रहते पूरी कर देते तो वहाँ के जो सपने हैं, जो युवाओं के सपने हैं, वो पूरे होते और काफ़ी हद तक वहाँ की बेरोजगारी की समस्या दूर हो सकती थी। एक बात और जोड़ना चाहूँगा कि आज खेल को वापस उभारा जा रहा है, आज योग को वापस नए रूप में देखा जा रहा है। कोरोना के बाद पूरी दुनिया में बहस छिड़ी है कि हमें यदि निरोगी रहना है तो योग करना होगा और खेल के प्रति अपने आप को जोड़ना होगा। इसके लिए सरकार ने पहल की है और यदि योग विश्वविद्यालय के साथ ही जो खेल विश्वविद्यालय बना है उसमें योग को जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है कि झुंझुनू से ना सिर्फ सैनिक निकलेगा बल्कि घर घर से योग गुरु निकलेंगे, घर घर से ऐसे लोग निकलेंगे जो खेल के माध्यम से आजीविका के नए साधन, नए प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हो पाएंगे। उत्कृष्ट खिलाड़ी निकलेंगे जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न सिर्फ अपने जिले का नाम रोशन करेंगे बल्कि राज्य का और देश का नाम रोशन करेंगे, जिससे आने वाली पीढ़ियों को भी एक नया जोश और उमंग का संचार होगा। झुंझुनू की एक और समस्या है अवैध खनन को लेकर। ये बहुत ही गंभीर समस्या है, इसको लेकर यदा कदा विधानसभा में सवाल उठते रहे हैं कि जो वहाँ पर अवैध खनन हो रहा है वो बिना राजनीतिक संरक्षण के हो नहीं सकता। वहाँ एक कोकस बना हुआ है कि राजनीतिक संरक्षण है, कुछ नौकरशाहों की मिलीभगत है और कुछ वहाँ के लोगों का स्वार्थ है। और इस अवैध खनन के कारण हमें देखते हैं कि कई वहाँ अवैध खनन करने वाले लोगों की अकाल मौत तक हो जाती है, उन परिवारों को कुछ नहीं मिल पाता क्योंकि खनन ही अवैध हो रहा है। ऐसे में सरकार को, खनन विभाग को इस पर प्रभावी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि अवैध खनन रुके। यदि वह रुक नहीं पा रहा है तो सरकार को एक मिडिल पथ अपनाना चाहिए ताकि अवैध खनन रुककर वहाँ के लोगों को उससे रोजगार जोड़कर एक नई फसल हम तैयार कर सकते हैं, जो रोजगार की फसल होगी, जो लोगों के जो मनोयोग से जो लोग काम करना चाहते हैं उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि अवैध को वैध बना दीजिए, लेकिन हम कुछ उन पहाड़ियों के माध्यम से कुछ नया कर सकते हैं। प्रकृति के साथ ज्यादा खिलवाड़ नहीं करना चाहिए ताकि प्रकृति की सुरक्षा भी हो सके। वहाँ के राजनीतिक दलों की बात की जाए तो वहाँ के राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़ी चुनौती आप क्या मानते हैं? मुझे लगता है कि वहाँ हर राजनीतिक दल व हर राजनीतिक कार्यकर्ता पानी की समस्या को दूर करने की बात करता है कि हम इसे दूर करेंगे, अवैध खनन पर रोक लगाएंगे, साथ ही जिस प्रकार खेल विश्वविद्यालय की वहाँ पर घोषणा हुई है उसको अमली जमा पहनाएंगे। इसके अलावा जो वहाँ पर जो एक सेना भर्ती कार्यालय जो बीकानेर में खुल गया है, अब लोग फिर वापस मांग कर रहे हैं कि एक उसका छोटा रूप झुंझुनू में भी हो, ताकि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का होगा तो हम उसका अधिक उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जिस प्रकार अपराध वहाँ बेलगाम हुआ, कानून व्यवस्था का जो इकबाल खत्म हुआ है, ये तमाम मुद्दे हैं जो वहाँ के मतदाताओं को मत रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। और मुझे लगता है कि झुंझुनू आर्थिक रूप से काफी समृद्ध जिला है क्योंकि खेती किसानी अतीत में खूब होती थी, लेकिन वर्तमान में वहां पर पानी की समस्या होने के कारण और खारा पानी होने से इन सारी खेती किसानी कुछ कम हुई है, लेकिन फिर भी सेना के माध्यम से वो लोग अपना एक मुकाम बनाए हुए हैं। इस दिशा में यदि सरकारों का सकारात्मक रुख रहेगा तो वहाँ के नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। जी, हमारे दर्शकों को आप मतदान के लिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे?
मैं तो ये कहता हूँ और हमेशा कहने का प्रयास करता हूँ हर मंच के माध्यम से कि मतदान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मतदान के माध्यम से हम हमारे पसंद के व्यक्ति का चयन करेंगे, हमारी पसंद की सरकार का चयन करेंगे, और यह सही मतदान के माध्यम से ही हम उस विकास में अपनी सही सहभागिता का निर्वाह भी कर पाएंगे, क्योंकि डेमोक्रेसी में मतदान एक बहुत बड़ा दान है और इस दान को हर व्यक्ति को करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जी, हम भी आपसे अपील करते हैं, 25 नवंबर को प्रदेश में चुनाव है, आप मतदान ज़रूर करें। जनादेश 2023 के आज के इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद। जनादेश 2023 के इस प्रोग्राम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।